स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में आयुष्मान भारत योजना के बारे में कुछ खास खास बातें बताई थी, और अगर अभी तक आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना जो है पूरे भारतवर्ष में लॉन्च होने वाली है, और सभी लोगों के मन में कुछ ना कुछ डाउट हैं जो हम आपको अपनी हर वीडियो में क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस योजना के अंदर किन लोगों को लाभ मिलेगा और किन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना में सभी लोगों के अलग तरह के सवाल हैं, तो इस योजना में हम आपको यही बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि किन लोगों को इस योजना में हर साल 5 लाख का लाभ मिलेगा। वे लोग जो बेघर हैं, निराश्रित लोग हैं, यानी कि जिनके पास घर नहीं है, वो जो ऐसे ही खुले में गुजारा बसता करते हैं या झुग्गी झोपड़े या तिरपाल लगाकर जो रह रहे हैं, बेघर लोग हैं, उन्हें इसमें लाभ मिलेगा। जो भीख मांगकर गुजारा करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को लाभ मिलेगा। मेला ढोलने वाले या जो कचरा उठाने वाले लोग हैं, उनको भी इसके अंदर सीधे सीधे लाभ मिलेगा, यानी कि उन्हें सीधे सीधे इसमें शामिल कर लिया गया है। जंगली जनजाति के जो लोग हैं, जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं, जो अभी तक जंगली तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें बंधुआ मजदूर जो पहले लोग हुआ करते थे, उन्हें जो छुड़ाया है, जो बंधुआ मजदूर थे, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। मजदूरी करने वाले जो डेली दहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। जो रेलवे के जो लाइसेंस वाले जो कुली हैं, जिनके पास लाइसेंस है और रेलवे में कुली वगैरह का काम करते हैं, उसमें भी इस योजना के अंदर सीधे सीधे लाभार्थी बनाया गया है, जो रेलवे में कुली का काम करते हैं। और इसके साथ साथ जो फुटपाथों पर सामान बेचते हैं, आपने देखा होगा कि रेहड़ी लगाते हैं फुटपाथ पर, कई तरह का सामान बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को जो मनरेगा के तहत जो कामगार हैं, जो मनरेगा में जो काम करते हैं, उन्हें, जो बीड़ी के कामगार हैं, बीड़ी काम कारखाने वगैरह में जो बीड़ी के कारखानों में काम करते हैं, उन लोगों को, घरों में काम करने वाले महिलाओं या व्यक्तियों को जो घरों में साफ सफाई या मेड का काम करते हैं, उन लोगों को, सफाई करने वाले लोगों को, और खान में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं या लोग हैं, जैसे कि कोयले की खान वगैरह, कई तरह की खान है, उनमें जो काम करते हैं, उन लोगों को, कूड़ा उठाने वाले, कूड़ा बीनने वाले जो लोग हैं, आपके आसपास होते ही होंगे, उनको भी इसमें लाभ मिलेगा। रिक्शा चलाने वालों को, ऑटो टैक्सी चालक जो हैं, उनको भी इस योजना के अंदर शामिल किया गया है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। कच्चे मकान में जो लोग रह रहे हैं, यानी कि अभी तक जिनका कच्चा मकान है, छत दीवारें सब कच्ची हैं, उनको, और जिनके घर में कोई व्यस्क नहीं है, मतलब बिना व्यस्क वाले घर हैं, और घर का कोई भी महिला या कोई बच्चे या ऐसे ही कोई लोग उनका घर का जीव खर्चा चला रहे हैं, तो उनको भी इसमें लाभ मिलेगा। वे घर जो महिलाओं पर निर्भर हैं, जिनके घर में कोई पुरुष नहीं है और महिला घर का खर्चा चला रही हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। विकलांगों पर जो निर्भर लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा, यानी कि जिस घर का खर्चा विकलांग लोग चला रहे हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। एससी एसटी समुदाय के लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। अशिक्षित परिवार जो हैं, यानी कि जिस घर में अशिक्षित लोग हैं, यानी कि अनपढ़ लोग रह रहे हैं और वो किसी तरह से अपना घर का खर्चा चला रहे हैं, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके घर में, जो रोज़ दहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, जैसे कि मजदूरी करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स में, घरों में जो लेबर वगैरह का काम करते हैं, उसके अंदर भी इन लोगों को इस योजना का लाभ दिए जाने का पक्ष रखा गया है। उन्हें डायरेक्ट इन लोगों को इसके अंदर शामिल कर लिया गया है, यानी कि इस योजना का जो 5 लाख रुपए का जो लाभ दिया जाएगा मेडिकल के लिए, वो इन लोगों को दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि किन लोगों को इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिनके पास किसी भी तरह का कोई मोटर या मशीनी उपकरण जिनके पास है, या चाहे मान लीजिए वो उनके पास मोटर की नाव है, या कोई दुपहिया वाहन है, या फोर व्हीलर है, या कोई भी मशीनी उपकरण है, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिनके पास, जो खेती करते हैं और उनके पास मशीनी उपकरण जैसे ट्रैक्टर वगैरह या और तरह की मशीनें हैं, तो उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। जिन किसानों के पास 50,000 तक की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड हैं, उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिसके घर में सरकारी नौकरी है, चाहे किसी की भी नौकरी हो, चाहे वो पिता की हो, चाहे बच्चे की हो, किसी की भी अगर सरकारी नौकरी है अगर एक घर के अंदर, तो उसको भी इससे अलग रखा गया है इस योजना में, उन्हें भी लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर किसी के भी घर में कोई भी सरकारी नौकरी या सरकारी कर्मचारी अगर है, तो किसी के घर में अगर मोटर उपकरण है, तो भी उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, ये इसमें खास बता दिया गया है। और जिसके घर में 10,000 से अधिक की इनकम होती है, यानी कि उनके परिवार की जो आय है 10,000 से ज़्यादा है, चाहे वो कोई भी कमा रहा हो, 10,000 से ज़्यादा अगर उनकी इनकम है, तो इसमें लाभ नहीं मिलेगा। अगर जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, उनको भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। जिनके पास किसी भी तरह की कोई भूमि है, जो भूमि के मालिक हैं, उन्हें इस योजना से दूर रखा गया है। जिनके पास 2.5 एकड़ कृषि वाली जो ज़मीन है, 2.5 एकड़ से ज़्यादा है, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। 3 कमरे से अधिक जो कमरे घर हैं, जिनके पास 3 कमरे से 3 कमरे या उससे ज़्यादा
के कमरे वाले जिनके पास घर हैं उसके मालिकों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा, जिनके घर पे फ्रिज है उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा, जिनके घर लैंडलाइन के टेलीफोन जो यूज़ करते हैं, जिनके घर में लैंडलाइन के फ़ोन है उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये कुछ लोग थे जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया कि आयुष्मान भारत योजना में किन लोगों को लाभ मिलेगा और किन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। आप इसे एक बार फिर से देख के ठीक से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। और अपनी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं, कि आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं। मैं आपको लिस्ट में नाम देखने का तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से अपने नाम को इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहें। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।